हेलो फ्रेंड्स, मैं सुप्रिया सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ इजी किचन हैक्स में। यहाँ पे मैंने साबूदाने को 3 से 4 घंटे के लिए भिगो लिया था। आप रात को भी भिगो करके रख सकते हैं और अच्छे से फूल जाए। उसके बाद मैंने यहाँ पे ले लिया है 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इसे इस तरीके से मैश कर लेंगे। जी हाँ, इस तरीके से मैश करके हाथ से डाल दीजिए। 4 से 5 चम्मच भुनी हुई मूंगफली थी, उसको मैंने थोड़ा सा दरदरा सा पीस लिया है। अब यहाँ पे मैंने ले लिया है अदरक, मिर्ची और कड़ी पत्ता, इसे भी मैंने ग्राइंडर में पीस लिया था। अब इसमें डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार। इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। पानी नहीं डालना है, अपने आप ही ये बाइंड हो जाता है। तो अब इसकी हम बना लेंगे टिक्कियाँ। तो आप छोटी बड़ी अपने हिसाब से टिक्कियाँ बना सकते हैं। मैं यहाँ पे इसकी मीडियम साइज़ की टिक्कियाँ बना करके तैयार करूँगी। तो ये देखिए, इस तरीके से आपको सारी ही टिक्कियाँ बना करके बिल्कुल तैयार कर लेना है। जब ये पूरी तरीके से बन जाए उसके बाद हम इसे करेंगे डीप फ्राई। तो यहाँ पे तेल मैंने पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था। तेल अच्छा गर्म हो उसके बाद आपको गैस की फ्लेम को मीडियम कर देना है और इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई करना है। फ्राई करने में 3 से 4 मिनट का टाइम लगेगा। और ये देखिए, जब गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो बस ये रेडी है सर्व करने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी बहुत सी रेसिपीज़ के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।